इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा को पक्का करना चाहिए, जो बाबा ने मुझे दी है सेवाएं, जो मेरा भाग्य है वो छीन नहीं सकता और किसी के भाग्य को मैं किसी भी तरह से ले नहीं सकता। इसलिए अपने अपने भाग्य में खुश रहे और हो सके जितना अपनी तरफ से सबको स्नेह आत्माएं दे, ताकि वो आत्मा के दिल से कम मेरे प्रति कभी भी बंधुआ न हो। वो कहे हमारी दीदी बहुत अच्छी, हमारे भाई साहब बहुत अच्छे, अच्छा कहना भी दुआएं। तो हम सब इस बात को ध्यान दें, योग को शक्तिशाली बनाने के लिए एक सच्चाई सच्ची दिल की लगन चाहिए। लगन ही अग्नि बन जाती और दूसरा दुआएं चाहिए। जिस आत्मा ने इस बात का अटेंशन दिया है वो सहज योगी बन करके अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि सचमुच भगवान मिला, इतनी श्रेष्ठ जीवन मिली, इतने ऊंचे दिव्य संस्कार बन गए, चलन से, चेहरे से, बोल से, व्यवहार से पता चलता कि सचमुच ये देवता बनने वाले हैं।